नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ शिखा गुप्ता। मध्य प्रदेश के मेहर में नाबालिग के साथ फिर किए गए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सख्ती दिखाते हुए राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान के आदेश पर आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया गया। आरोपी रविंद्र चौधरी का उदयपुर में स्थित घर ढहा दिया गया है, तो वहीं अतुल के मलियान टोला में स्थित घर पर बुलडोजर पर एक्शन हुआ। आपको बता दें, मेहर प्रशासन ने शनिवार सुबह ही पहुंचकर आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्यवाही की। एक्शन के दौरान आपको बता दें, एसडीएम सुरेश यादव, एसडीओपी लोकेश डावर सहित भारी तादाद में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बता दें, दोनों ही आरोपियों ने 10 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंग रेप को अंजाम दिया था। लड़की का इलाज फिलहाल रीवा मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी मंदिर प्रबंधन में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं। गुरुवार दोपहर 2 बजे दोनों लड़की को बहला फुसलाकर मां शारदा मंदिर के पास पहाड़ियों पर ले गए। यहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और मारपीट भी की गई। खून से सनी मासूम को गंभीर हालत में बच्ची को उसके परिजनों ने अस्पताल में भर्ती करवाया और फिलहाल लड़की मौत और जिंदगी के बीच में झूला झूल रही है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ताजा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।